आप तो यही काम करते हैं तो शुक्राई ना तो ये पूछाओ कितने कभी ये सुझाव आए हैं कुछ लोगों के, ये बहुत ज्यादा परेशानी है हाँ बताओ जी बताओ। हमारे गांव में। मतलब जो है ना इससे भिवानी से बस नहीं चलती है, अच्छा जी, मोखरे में। अच्छा मोखरे के लिए कोई साधन नहीं है जी, और दुनिया लो रो रो करके आती है, दो दो घंटे बैठ बैठ करके किसी के साधनों में आती है। अच्छा जी, तो एक हमारी ये प्रार्थना है कि भी रोहतक से बाया रोहतक से बाया मोखरा होकर की बस आ जाए ना, एक कोई भी चलती है, जैसे जैसे हाँ लाड़ी की साइड में, बहू की साइड में इधर जो ट्रेन भी है वो भी है, बाया लाड़ी की बजाय कुछ मोखरे की बजाय, जैसे मदीना होकर के मोखरा होकर के इधर कलानो होकर के निकल जाए तो हाँ बहुत सुविधा हो जाती हाँ थी। लोगों को सुविधा हो जाए इसमें। हाँ इतना मतलब इतना इतना समाधान हो जाए बहुत ज्यादा हरे आदमी को बयानी जान जान का, फिर या सर मेरे मन नहीं लगता है यो बात प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब सुखराइनाथ के कर लेंगे इसमें, मान लिया इसके लिए तो प्रशासन ना है ना। ना शुक्राइनाथ को यो कहो ना कि कुछ लोगों की ये समस्या है, जैसे लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई धाड़ा लुआड़ा हो कहीं से, कल मैं धाड़े से तो कोई मतलब नहीं है मेरे को, तो मतलब वैसे बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा समस्या है तो सर समस्या है, मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन इसमें सुखराइनाथ क्या कर सका है। ना भाई। अब मान ले वो कह रहा है अभी मैं उसके पास जाऊंगा, खट्टर के पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके बाद खट्टर को या इसको, ये जो सबसे बड़ा गांव है इसमें दोनों पास कोई सुविधा नहीं है, हर एक आदमी मरने लग रहा है, 3 3 किलोमीटर से 10 10 किलोमीटर पैदल आओ जाओ, जिसके पास अपना साधन है वो तो आ जाओ ना, तो मजदूर आदमी मरे हैं, बात तो आपकी बिल्कुल जायज है जी। ये कोई रिश्ते ना होते गांव में उसमें बोले हाँ बात तो सही है, साधन नहीं है तो रिश्ते साधन आइए नहीं उल्टे है, उठ जाए। कोई रिश्ता करेगा नहीं, बताओ आप। ठीक बात है जी, फिर ये मैं आपकी बात है सोशल मीडिया पर डाल दूं तो पहुंच जाएगी, तो बिल्कुल डाल दो जी, मेरे फोन नंबर पे दे देना चाहिए। हाँ एक तो फिर काम करना पड़ेगा, आपने अपना फोटो भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर मेरे पास में। अच्छा यो, हाँ मैं व्हाट्सएप पर, मैं इसी पर, हाँ व्हाट्सएप पर मैं कर देता हूँ आपके पास। आप अपना फोटो भेज दो और मैं आपकी या बात है प्रशासन ते भी, शुक्राना ते भी, जिस ते भी आपने कही है उस ते पहुंच जाएगी आपकी बात। हाँ, मैं व्हाट्सएप पर कर दूँ ना, आपका ये नंबर है। हाँ ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, आप इसमें फोटो भेज दो अपना और नाम बता दियो, लिख दियो साथ में। मेरा ये फोन नंबर आएगा, नाम आएगा जगबीर सिंह आएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, जगबीर सिंह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। आपका नाम जी? मेरा नाम है जी दिनेश गहलावत, जिम्मेदार मीडिया का दिनेश गहलावत है। दिनेश गहलावत, गहलावत अच्छा दिनेश गहलावत, गांव कौन सा आपका? अच्छा गांव है जी अपना, गुणा फरमाना। हाँ जी, गुणा फरमाना, अच्छा। भैया थोड़ा बहुत अगर कह को आकर के थोड़ा बोल लो तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। बिल्कुल जी, हम तो मतलब हमारा तो काम ही ये है सोशल मुद्दे उठाना और ऊपर तक पहुंचाने, ये हमारा काम है, यू है जी। नहीं देखो हम तो, मैं तो देखो भिवानी से जब भी आता हूँ ना, मैं वैसे रहता हूँ फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा जी, हाँ तो मैं भिवानी से आता जाता हूँ, भिवानी का ज्यादा लिंक होता है, भिवानी में मैंने एक मकान बना रखा है, मैं हर टाइम आता जाता हूँ गाँव में, मेरा गाँव मोखरा ही है। अच्छा जी, हाँ तो ये समस्या है, जितने जितने भी आता जाता हूँ ना इतने रो पीट कर आना पड़ता है, यूँ कहते भी हमारा गाँव सबसे जो है बेकार हो रखे, क्यों साधन नहीं आने जाने के, क्या करेगा तुम बताओ। अच्छा मतलब आप इन कहना चाहोगे जैसे शुक्राइनाथ मान लिया इनते खट्टर तक और इनते मिनिस्टर मिला है, तो वो हमारे लिए एक सवारी की बस की सुविधा के लिए जरूर बात कर रहे हैं। हाँ भिवानी से, हाँ नहीं बाय रोहतक से, बाय रोहतक से बजाय बाय मोखरा कुछ बस चला दे। हाँ मतलब कोई ना कोई जरिया ऐसा जुड़ जा कि भाई मतलब इधर भी से रोहतक से भिवानी के लिए आना जाना आसान हो जाए थोड़ा। हाँ हाँ, रोहतक से बाय मोखरा होकर के जहाँ बस जो भी आवे। चलो ठीक है जी, आप अपना फोटो भेज दो, मैं आपकी ऑडियो ऐसे कैसे रिलीज कर दूंगा सोशल मीडिया पर। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।